मोमोज हाँ हाँ चिली पट्टे ये आयरा आयरा की सब बात बताऊंगी मैं। हाय गाइस, इसको ये इसने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसकी दादी को इतनी टेंशन, इतनी पूरा दिन हो गया मनाते मनाते। तो आज दादी ने पापा को बुलाया है और बोला इन्हें बाजार लेके जाओ और ये जिस चीज़ पे हाथ रखे वो सब लेकर आओ, अब आयरा को खाना खिलाया जाएगा। है आयरा, आयरा आयरा सुन भी नहीं रही है आयरा ध्यान भी नहीं दे रही। पुप्पी को दो, सब पुप्पी निकाल के देंगे सब बच्चों को। ये क्यों नाराज हो गया? आ मेरा भैया कैसे नाराज है? अल्लाह ओ भैया को संभालो, पहले संभालो इसे। मतलब कोई राजी हो जाता है तो कोई सा गुस्सा हो जाता है, कोई सा राजी हो जाता है तो कोई सा गुस्सा हो जाता है। अब इन सब बच्चों को मनाना और बहलाना एक टाइम पे बड़ा मुश्किल काम है। लाए क्या क्या हो भाई, ये तो बताइए। अच्छा आयरा के फेवरेट मोमोज। अच्छा ये फ्राइड है ही आप, निकालो सब निकालो पहले। मामा अब हो गया, सही हो गया। चाउमीन, हाँ जी हाँ जी, खाओ 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 चाउमीन, हाँ सब खाओ सब खाओ। और क्या है, सब निकालो ना, निकालो तो सही बाहर। तो इसे पिन्नी के ऊपर रख दो। थाली लिया, कौन ला थाली? आ रहा थाली लिया ऊपर से। अच्छा 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 अच्छा, ये ले आएंगे ना, ये ले आएंगे, ये ले आएंगे। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा ही। फेवरेट चीज है खाने से, खाओ से। लिबा पूरा फिनिश करते हैं, ऐसे नहीं करते। मिल जाएगा चाउमीन, सब मिलेगा बेटा, बहुत सारी चीजें लाए पापा। और उसमें क्या है, उस वाली पॉलिथिन में? अच्छा बेटे आज तो पार्टी, आज पार्टी हो रही है भैया। और नहीं मेरा भैया तो पार्टी पार्टी चिल्लाता रहता है, उसका मूड खराब। ओए आके और बंद कर लिया उसने गुस्से में। मुझे समझ में नहीं आता हम इन तीनों को कैसे मनाएं। सुबह से उसका कलेश और दादी ने उसे मनाया, और उसका तो रोज का है, उसका 24/7। ये देखो अब वो भी कर। पार्टी चल रही है भाई, पार्टी, बच्चों की पार्टी। मज़ा आ रहा है ना? मम्मा आप भी तो कुछ खाओ, आप पाव भाजी खा लेते हो, पाव भाजी खा लो। मेरा आयल कुछ नहीं खा रहा है, मैं क्या खा सकती हूँ मम्मी इसमें? अच्छा बोल, अच्छा चाउमिन भी बोल छे। मम्मी बाजी की निकाल लो ना। अरे मैं नहीं डालूंगी मम्मी, आप डालो, आप लोग डालो। दो चम्मच डाल लो, थोड़ी सी दो, मैं ये दोनों खा लूंगी। चलो आ रही है, सब पेट भरा हुआ है, मैंने पिला दे दूंगी। और खा लो, पेट उसी से भरेगा। मामी सुन लो, हां जी तेरा दिख रहा है, बीबी रो रही है, तेरी मुंह दिख रहा है। हाँ तो दिखना चाहिए ना आपको, बना लो, मेरी भी बनाओ। आई बला चले लो, गोद में लो।
हाँ मैंने देखा तो कहीं पर भी। तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं और किस खुशी में कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आज है हमारी शिफा का बर्थडे, शिफा तो नहीं है, हम ही खुशियाँ मना रहे हैं। अभी हमने बच्चों को टॉफियाँ भी बांटी हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो बस शिफा जहाँ भी रहे खुश रहे और उसकी खुशियों में हम सब शामिल हैं, उसकी खुशियाँ हम खुद भी मना रहे हैं। चलो अब हम खा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पर हमने बस ऐसे छोटा मोटा से ही कुछ सेलिब्रेशन कर लिया था। तो मैं आपको बता दूँ कि 11 तारीख को था शिफा का बर्थडे, तो बस ये सब हमने उसी दिन किया था। एक्चुअली आयरा ने खाया पिया इसलिए नहीं था, मैंने आपको मतलब कैप्शन भी लिख के बताया था कि आयरा को मैंने सुबह ही बता दिया था, मतलब सबको याद ही दिला दिया, तो आयरा को सुबह ही पता चल गया था कि आज शिफा का बर्थडे, तो वो इसलिए थोड़ी सी उदास भी हो रही थी, उसे मिस भी कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने खुद ही सेलिब्रेट कर लिया और ऐसे ही कर लिया, बस और क्या कर सकते हैं। उसका वीडियो देख लिया था और ऐसे छोटा मोटा हमने सेलिब्रेट कर लिया, तो जो हमारे हाथ में हम वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे इसे याद आया कि काफ़ी लोग कमेंट ये कर रहे थे कि जो बात आपने कही है वो आप अपनी सासू माँ से कहती वो बोलती, आपने क्यों बोला? तो भाई उन्होंने बोला तो मैंने बोल दिया। और रही बात मम्मी की, फिर मम्मी को ऐसा होता ना, फिर बहुत सारे मम्मी के भी जख्म आ रहे हो जाते हैं, तो फिर कोई और बात वो हो जाती, तो इस वजह से मैंने ही वही मैं कह रही हूँ, मुँह से कुछ और निकल जाता, तो इस वजह से मैंने बड़ी समझदारी के साथ कम बातें की हैं। और जो पेट भरा हुआ है वही तो कह रही हूँ ना कि फिर मम्मी के मुंह से तो और सारे भाई जिसने जख्म खाए हुए उसे पता है, तो वो इसीलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा बात ना हो, हम लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, कम कहे को ज़्यादा समझना। तो खैर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, और काफ़ी लोगों ने यही बोला कि यह हर घर की कहानी है, और हम तो अपने घर की कहानी कभी आउट करना ही नहीं चाहते, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा बोलते ना सामान को लेके, इतना ज़्यादा बोला गया था और इतनी गलत गलत बातें बोली गई थी, तब उस चीज़ को फिर हमने बोला है। और वो कमेंट भी कहाँ से आए थे मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, तो इस चीज़ को बोला है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या मतलब उनको डिवोर्स हो गई है या कुछ हो गया है, तो ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं है, और ना ही हम सबको इस तरह की बातें कोई पसंद है। हम खुश रहने वाले लोग हैं, खुश रखने वाले लोग हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबकी अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पर बस बच्चों को बुला के थोड़ा गेट टुगेदर हो रहा था, और फिर वो सामने भाभी है वो भी छेड़ रही थी, तो ऐसे करके बहुत अच्छा हमारा दिन भी चला गया, बच्चे भी खुश हो गए। और चाहिए क्या, बच्चों की खुशी के लिए ही इंसान सब कुछ करता है। Thank you.
पता ना करता, पता ना।